स्वागत दोस्तों मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि बिल्डिंग बाइला के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट होती है बिल्डिंग की, उसकी जो भी बेसिक डायमेंशन होती है, वो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मैं किचन और बाथरूम और WC के बारे में, जो भी इसका फ्लोर एरिया कितना होता है, वो चीज़ के बारे में बताऊँगा। इसके प्रीवियस वीडियो मैंने जो बनाया था, उसमें मैंने आपको समझाया था प्लिंथ हाइट और रूम के बारे में समझाया था, दो चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया था। और ये मैं भी किचन और बाथरूम के बारे में समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आपने प्रीवियस वीडियो देखा हुआ है कि उसमें मैंने क्या क्या चीज़ समझाया हुआ है। अगर नहीं देखा हुआ है तो दोबारा देख लेना जाके, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको भी किचन के बारे में और बाथरूम के बारे में बताऊंगा, जो भी किचन के साथ अगर स्टोर फिट कर दें तो कितना एरिया लगेगा, और ओनली डाइनिंग प्लस किचन कर दें तो कितना होगा, सेपरेट सेपरेट करें तो कितना स्क्वायर मीटर में एरिया होगा। मैंने एक अभी टेबल बना रखा है, टाइप में लिख दिया मैंने इधर, किचन स्टोर, किचन डाइनिंग और किचन ओनली, इसमें स्टोर प्लस डाइनिंग सेपरेट सेपरेट कर दिए, ठीक है। इधर मिनिमम फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया मतलब इसका स्क्वायर मीटर में कितना एरिया आया, मिनिमम विड्थ और मिनिमम हाइट। मैं अभी भी जो इस वीडियो बना रहा हूँ कंटिन्यूअस, इसमें केवल मैं मिनिमम हाइट के बारे में बता रहा हूँ कि मिनिमम आप इतना रख सकते हैं, उससे आपको बिलो नहीं जाना है, जैसे भी डिजाइन करें, ठीक है दोस्तों। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमें मिनिमम के बारे में बता रहा हूँ आपको, जो भी चीज़ें जो भी मैं वीडियो बनाया अब तक, सब में मिनिमम के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। ये जैसे हमारे पास किचन, अभी किचन के बारे में स्टार्ट करता हूँ, तो मैंने किचन का टेबल बना रखा है यहाँ पे। तो किचन प्लस स्टोर, कोई किचन और स्टोर अगर एक साथ हम रखते हैं, कम्युनिटी मतलब प्लस एक साथ आसपास रखते हैं किचन प्लस स्टोर, तो उसमें जो मिनिमम एरिया रखेंगे हम स्क्वायर मीटर में, वो होगा 5 स्क्वायर मीटर में एरिया, ठीक है ना। अगर विड्थ की बात करूं इसका, मिनिमम विड्थ तो 1.8 मीटर, और हाइट की बात करूं तो 2.75। ये हाइट, मैं हाइट की कैसे बता रहा हूं आपको, जैसे ये हमारा एक समझो, ये हमारा फ्लोर एरिया हो गई, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोर एरिया, ठीक है ना। तो मैंने ये फ्लोर एरिया लिख दिया, ये हमारे पास है 5 स्क्वायर मीटर, ये हमारा मिनिमम कंडीशन है। अभी विड्थ पूछ रहा है, तो हमारा विड्थ मान लो हमने ये एजम्पशन कर लिया कि विड्थ 1.8 मीटर मिनिमम रखना है हमें, तो अगर मैं हमारा फ्लोर एरिया हमें पता है और विड्थ दे रखी है 1.8, तो हम ऑटोमेटिक ये एल निकाल लेंगे, यानी जो हमारा एरिया की बात कर, एरिया इज इक्वल टू होता है एल इंटू डब्ल्यू। तो एरिया में पता 5.00 इज इक्वल टू एल इंटू 1.8, तो यहाँ से एल की वैल्यू आप इजिली फाइंड कर दोगे, 5 डिवाइड बाई 1.8, तो कितना आएगा, मैं आपको ये बस समझा देता हूँ हाइट कैसे निकालते, सॉरी 5 डिवाइड बाई 1.8 यानी 2.7 मीटर आ जाएगा, 2.78। तो ये हमारी आ जाएगी लेंथ एंड विड्थ, ठीक है। तो ये फ्लोर एरिया हमारा 5 स्क्वायर मीटर का आ गया, यानी 2.78 कर दें हमारा, और ये 1.8, तो हमारा लेंथ, ये अगर मैं लेंथ की बात कहूँ तो 2.78 हो गया, ठीक है ना। तो ये आप कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर हमारे पास टोटल स्क्वायर मीटर में एरिया दे रखा है और एक कोई भी लेंथ दे रखा है या फिर विड्थ दे रखा है, तो हम इजीली दोनों में से कोई एक कैलकुलेट कर लेते हैं अल्टरनेटिव, ठीक है। हमें एरिया पता होना चाहिए, तो हमारे पास अभी टोटल स्क्वायर मीटर में एरिया दे रखा है और मिनिमम विड्थ दे रखी है, तो हम इसमें लेंथ निकाल सकते हैं। और मिनिमम हाइट, हाइट इसलिए दिया ताकि हाइट मतलब छत की हाइट, जैसे हमारे पास ये है, वैसे मैं एक 3D इमेज बनाता हूँ आपको, ठीक है। ये हमारा एक 3D, ये हमारा फ्लोर लेवल हो गया, तो फ्लोर का एरिया हमने ये विड्थ का बता दिया मैंने, अब लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, और हाइट, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट कितनी देगी, ये मैंने 2.75 होगी जो इसकी हाइट होगी मिनिमम, ठीक है दोस्तों। तो मैंने ये चीज़ समझा दिया आपको, ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि फ्लोर एरिया क्या होता है, विड्थ क्या होगी और हाइट क्या होगी, बाकी आप लेंथ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं किचन प्लस डाइनिंग, अगर किचन प्लस डाइनिंग इंक्लूड है उसमें, तो फिर ये मैं आपको सामने एक एंगल बना देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, तो 7.5 स्क्वायर मीटर, ठीक है, इसका स्क्वायर मीटर में मिनिमम एरिया होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर मैं विड्थ की बात करूँ इसमें तो 2.10 मीटर, ये सारा मैं मीटर में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं डायमेंशन सारे मीटर में ही बताता हूँ अभी, मीटर या फिर एमएम में। और अगर हाइट की बात करूँ तो ये भी 2.75 मिनिमम होनी होनी चाहिए, वैसे तो हम नॉर्मल हम 3 मीटर टू 3.35 मीटर रखते हैं,
लेकिन ये मिनिमम साइज की मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, तो मिनिमम आपको बता देता हूँ मिनिमम कितना रखना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग सेपरेट सेपरेट करते, किचन ओनली है इसमें, बाकी स्टोर और डाइनिंग को हम लोग अलग अलग कर दिए, सेपरेट कर दिए, तो उस केस में हम लोग कितना रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो उस केस में हम लोग 4.5 मीटर स्क्वायर, इसका हमारा फ्लोर एरिया हो गया, हम फ्लोर एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो और अगला बताऊँ मैं मिनिमम विड्थ, तो मिनिमम विड्थ क्या होगा, छोटा सा रूम हो गया तो विड्थ में हम लोग लेते थे 1.8 मीटर, ठीक है दोस्तों। तो 1.8 मीटर हमारा मिनिमम विड्थ हो गया, हम लेंथ इजीली निकाल सकते हैं, हमारा स्क्वायर मीटर में एरिया इतना होना चाहिए अगर मिनिमम का कंसिडर करें, लेकिन हम लोग मिनिमम से हमेशा ज़्यादा ही रखते हैं ताकि वो कम्फर्टेबल रहे, ठीक है। और ये मिनिमम हाइट की बताऊँ तो वो सेम है 2.75 मीटर, या फिर आप 3 मीटर जैसा रख सकते हैं, जो छतों की हाइट बोलते हैं हम लोग, फ्लोर लेवल से हमारी छत की हाइट कितनी होती है, इस चीज़ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मिनिमम हाइट यानी स्लैब की हाइट कितनी होगी, ठीक है। आई होप दोस्तों कि आपको किचन की चीज़ें समझ में आ गई होगी, पूरी चीज़ें जो भी मिनिमम मिनिमम फ्लोर एरिया और मिनिमम विड्थ और हाइट, और इसमें सेपरेट मैंने क्या क्या बता रखा, किचन प्लस स्टोर, किचन प्लस डाइनिंग और ओनली किचन, ये तीनों चीज़ें मैं समझा रखा आपको, ठीक है। अभी अगला मैं बात करता हूँ बाथरूम की, बाथरूम और WC की, ठीक है। तो बाथरूम की अगर मैं बात करूँ, इसमें भी सेम मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, ये मिनिमम एरिया, फिर रिकमेंडेड साइज और मिनिमम हाइट, हाइट क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जहाँ पे भी हम लोग बाथरूम बनाते हैं तो उसका कभी लोग ऐसा होता है कि बाथरूम का जो स्लैब होता है वो थोड़ा डाउन रखते हैं, छोटा रखते हैं, तो खैर वो भी बढ़िया रहता है, कोई दिक्कत नहीं है बाथरूम का, वो अपना ऊपर का स्पेस हम लोग यूजली यूज कर लेते हैं, और ऊपर अगर हमें बाथरूम बनाना हो तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहता है, ठीक है। तो मैं अगर मिनिमम फ्लोर एरिया की बात करूँ बाथरूम में, जो हमारा बाथरूम होता है उसमें फ्लोर एरिया कितना होना चाहिए, ठीक है, तो वो होना चाहिए हमारा 1.8 मीटर स्क्वायर, ठीक है, या फिर स्क्वायर मीटर हमारा मिनिमम उसमें होना चाहिए फ्लोर एरिया। अगर रिकमेंडेड हम साइज की बात करें, साइज में मतलब लेंथ एंड विड्थ, यानी इसमें हम बोल दें तो 1.5 × 1.2 मीटर, ठीक है। अगर हाइट की बात करें स्लैब की हाइट, तो 2 मीटर रख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये मिनिमम हाइट की हो गई हमारी, ये रिकमेंडेड साइज यानी 1.5 × 1.8, ठीक है, ये हमारा रिकमेंडेड साइज हो गया एक, हम उसको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अगर WC की बात करें, तो WC की अगर हम लोग फ्लोर एरिया की बात करें, मतलब उसका फ्लोर एरिया होता है 1.10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1.1 मीटर स्क्वायर हमारा उसका फ्लोर एरिया होता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं उसकी साइज़ की बात करूं, जैसे मैंने अभी इस केस में मैंने केवल विड्थ बताया आपको, बाकी आप लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसमें साइज बता देता हूं मैं पूरा आपको कि लेंथ और विड्थ क्या होगी। तो ये WC की उसमें क्या होता है, तो 1.10 × 1 मीटर, ये मीटर में आ जाएगा, ये स्क्वायर मीटर में, क्योंकि ये फ्लोर एरिया की बात हो रही है, जहां भी एरिया आ जाएगा वहां पे हमारा ये यूनिट होता है, हमारा एरिया आ गया तो वहाँ पे स्क्वायर मीटर हो जाएगा, चाहे स्क्वायर फीट, जो भी आप डायमेंशन में स्टडी करते हैं वो चीज़ में हो जाएगा। अभी मैं मीटर में बता रहा हूँ तो इसलिए स्क्वायर मीटर हो गया। अगर मिनिमम हाइट की बात करें, तो मिनिमम हाइट से मुझे हो गया स्लैब की हाइट जो हमारी होती है वो 2 मीटर, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये ध्यान देना कि मिनिमम हमारी हाइट इतनी आ गई, ठीक है। अगर मैं दोनों को एक साथ कर दूँ, बाथरूम प्लस WC, ठीक है, अगर बाथरूम और WC को एक साथ करते हैं तो हमारा कितना स्क्वायर मीटर में एरिया कवर होता है, क्योंकि अक्सर आप लोगों ने कई जगह देखा होगा कि दोनों सेम रहते हैं, बाथरूम प्लस WC एक साथ ही हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो उस केस में कितना रखते हैं हम लोग, तो वो चीज़ के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। तो अगर दोनों सेम है हमारे पास, WC और बाथरूम, तो उस टाइम हमारा स्क्वायर मीटर में एरिया हो जाएगा 2.8 मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक ही में हो जाता है, तो फिर एरिया थोड़ा सा दोनों को अगर प्लस करें तो इतना आना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हम लोग कम रखते हैं। और रिकमेंडेड साइज की बात करें तो ये हो जाएगा 2.3 मीटर × 1.2 मीटर, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा रिकमेंडेड साइज हो जाती है जो भी है इसका। अगर स्लैब की हाइट की बात करो तो वो 2 मीटर हमारा स्लैब की हाइट हो जाएगी, बाकी रिकमेंडेड दोनों सेम हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि मैंने WC और बाथरूम का मैंने आपको समझा दिया, ये मैंने मिनिमम फ्लोर एरिया, रिकमेंडेड साइज और मिनिमम हाइट के बारे में आपको समझाया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, आई होप इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो कि फ्लोर एरिया क्या होता है, रिकमेंडेड साइज मैंने क्या दे रखा है, और जो भी मिनिमम हाइट है स्लैब की वो क्या दे रखा है। ये जो भी मैंने वीडियो बनाता है आपको चीज़ें, ये मैंने मिनिमम हाइट बताया, मैंने मिनिमम बताया है, इससे आप ऊपर रख सकते हैं, ये मिनिमम इससे आप कम नहीं कर सकते, इसलिए मैं मिनिमम सब में हमेशा मैं मिनिमम लिख देता हूँ, क्योंकि कई भाई लोग होता है कि हमको पता नहीं रहता कि मिनिमम रखते कितना, तो ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ, बाकी आप अपने ऊपर से
एक्स्ट्रा कर सकते हैं, 20% 25% एक्स्ट्रा करके आप बना सकते हैं। खैर अगर कोई रूम बनाया, जितना बड़ा बनाएंगे उतना बढ़िया लगता है, अपनी मतलब कंडीशन के हिसाब से जो भी उसका होता है, ज़्यादा कॉस्टली ना पड़ जाए उसके हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।